हेलो माय फ्रेंड्स एंड चैंपियंस, वेलकम बैक टू रेडियो हब कॉमर्स। मैं हूं चिंतन और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं बिजनेस स्टडीज के सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट बिजनेस सर्विसेज में। कैसे हो सब लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग जो है वो तंदुरुस्त स्वस्थ और मस्त होंगे। और इस यात्रा की शुरुआत में एक सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा कि हमारे जितने भी सेशंस हैं इसके लाइव नोट्स और इसके लेक्चर नोट्स पाने के लिए आप हमारे ऐप EduHub को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। इसमें आपको जैसे डेली लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, प्रीमियम सुपर नोट्स मिलेंगे, वीकली टेस्ट भी मिलेगा और DPP की प्रैक्टिस भी आप डेफिनेटली कर सकते हो। तो हरी अप एंड डाउनलोड द ऐप। और अब हम हमारी यात्रा की शुरुआत करने जाएंगे बिजनेस सर्विसेज में आने वाले एक सबसे इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन से। ठीक है ना, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपके सामने दिया गया है कि जब हम बिजनेस में गुड्स बनाते हैं, गुड्स बेचते हैं और कंज्यूमर जो है इसे कंज्यूम करते हैं और इसका पैसा देते हैं, जिससे बिजनेस बड़ा होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से सर्विसेज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। जहां पे हम सर्विसेज का नेचर पहचान के उस सर्विस को प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को, कस्टमर जो है उसके बेनिफिट उठाता है और उसके पैसे हमारे बिजनेस को देता है। ठीक है ना, तो गुड्स जितने इंपॉर्टेंट है इतनी ही सर्विसेज भी डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। और इस इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले आपको दिया गया है, नाउ फॉर एनी लेमैन पर्सन, फॉर एनी रैशनल इंडिविजुअल या किसी भी इंसान के लिए सर्विसेज आर एसेंशियली इनटेंजिबल। अब क्योंकि सर्विसेज को हम देख छू नहीं सकते, सर्विसेज का शेप या साइज बिल्कुल नहीं होता, लेकिन वो सर्विसेज के अंदर आपके नीड्स को सेटिस्फाई करने का डेफिनेटली एक पोटेंशियल होता है। इसी वजह से हम उस सर्विसेज के पैसे देते हैं। ठीक है ना, देयर परचेज डज नॉट रिजल्ट इन द ओनरशिप ऑफ एनीथिंग फिजिकल। इट क्लियरली गिव्स यू द बेनिफिट ऑफ सर्विसेज बट इट डज नॉट गिव यू द ओनरशिप ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है ना, इसका एक सबसे छोटा नॉर्मल एग्जाम्पल आपको दिया गया है, यू कैन ओनली सीक एडवाइस फ्रॉम द डॉक्टर। अगर आप बीमार हो आप डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर आपको मेडिसिन देगा, डॉक्टर आपको कंसल्टेशन देगा और उसकी फीस जो है हम डॉक्टर को दे देंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमने डॉक्टर को ही खरीद लिया उतने पैसे में, सो यू कैन नॉट परचेज हिम। ठीक है ना, Now, services are all those economic activities. Economic activities इसीलिए बोला गया क्योंकि इसकी monetary value होती है। Service provide करने के बदले में पैसे definitely मिलते हैं and that are intangible and imply an interaction to be realized. ठीक है ना, between the service provider and the customer. ठीक है, तो जब भी हम service provide करते हैं किसी भी customer को तो उस कंज्यूमर को होने वाला बेनिफिट ही आपके सर्विसेज की मॉनेटरी वैल्यू है। ठीक है ना, अब जब हम सर्विसेज की बात करते हैं तब डेफिनेटली इसके नेचर की बात की जाए, तब इसके नेचर में सबसे पहला नेचर जो है ये है आपकी इंटेंजिबिलिटी। एज यूजुअल वी ऑल नो दैट सर्विसेज आर इंटेंजिबल, दैट कैन नॉट बी टच्ड एंड फील, दैट कैन ओनली बी बेनिफिटेड। ठीक है ना, इसी के साथ जो दूसरा इसका नेचर है वो है इनकंसिस्टेंसी। जो भी सर्विसेज है वो आपके कस्टमर और वो एक इंडिविजुअल की नीड्स के ऊपर बेस्ड होती है। अगर इंडिविजुअल को नीड्स है तब भी उस सर्विसेज का वो कंजम्पशन करेगा। जब भी हमको मोबाइल के रिचार्ज की जरूरत पड़ेगी तभी ही हम रिचार्ज करेंगे। ठीक है, हमें हमेशा करना ही चाहिए, उस बेस पे हम नहीं करेंगे, इसीलिए इनकंसिस्टेंट होती है। हाँ, इसके फीचर्स एक ही हो सकते हैं बट ये सर्विसेज जो है वो क्लियरली कस्टमर के नीड्स और इनके मॉनेटरी वैल्यू पे ही बेस्ड होती है। ठीक है ना, इनसेपरेबल डेफिनेटली होती है क्योंकि आप अपने सर्विस प्रोवाइडर को और उस सर्विसेज को एक दूसरे से अलग डेफिनेटली नहीं देख सकते, इसीलिए सर्विसेज आर द पार्ट ऑफ द बिजनेस जो सर्विस प्रोवाइडर आपको देता है। ठीक है ना,
इसकी इन्वेंटरी बिल्कुल नहीं होती, इसको आप स्टॉक नहीं कर सकते, डेफिनेटली नहीं कर सकते, क्योंकि जो चीज दिखती है उसी को स्टॉक की जाती है। गुड्स आप प्रोड्यूस करते हो, इसलिए गुड्स जब आपके फैक्ट्री में स्टोर करके रखते हो उसको इन्वेंटरी में आप कंप्यूट कर सकते हो, आप उसको काउंट कर सकते हो, लेकिन सर्विस इज डेफिनेटली स्टोर करके या कंप्यूटेशन के मॉडल में नहीं लेकर आ सकते। और इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली इसमें होनी ही है, क्योंकि अगर जो भी सर्विस प्रोवाइडर एट द टाइम ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज जब अलग नहीं हो सकता, तब कंज्यूमर भी एट द सेम मोमेंट वो सर्विसेज को कंज्यूम कर रहा है, इसीलिए कंज्यूमर की भी उतनी ही इन्वॉल्वमेंट होती है जितनी सर्विस प्रोवाइडर की होती है और उतनी सर्विसेज की होती है। ठीक है ना, आपके सामने डिस्टिंग्विश लेकर आ गए गुड्स और सर्विसेज का इसी नेचर के पॉइंट्स को कंसिडर करके, जिसमें सबसे पहले इन्होंने बोला है कि एन एक्टिविटी और प्रोसेस दी वॉचिंग मूवी इन सिनेमा हॉल इज योर सर्विसेज। ठीक है ना, ऑन द अदर हैंड अ फिजिकल ऑब्जेक्ट दैट इज वीडियो कैसेट ऑफ अ मूवी। आप सिनेमा हॉल में गए, 3 घंटे मूवी देखी, आपने पैसे दिए, आप घर आ गए, दैट्स इट। ठीक है ना, और अगर आपको मूवी नहीं देखनी, अगर आपको पेन ड्राइव में या डीवीडी में वो मूवी देखनी है, तो यू जस्ट सिंपली गो टू द शॉप, यू बाय दिस पेन ड्राइव, यू बाय दिस डीवीडी, यू गो टू योर होम, यू वॉच मूवीज एंड यू कीप इट। सो दैट अगेन इज द ओनरशिप ऑफ द गुड्स। ठीक है ना, तो इसलिए ये क्लियर डिफरेंस है। द सेकेंड इज द टाइप, विच अगेन इंटरेस्टिंगली आपके सामने एक वोकैबुलरी लाके खड़ी कर दी, जिसको उन्होंने दिया नाम हेटरोजीनियस। हेटरोजीनियस का सिंपल मतलब होता है डिफरेंट इन नेचर। ठीक है ना, हेटरोजीनिटी का मतलब होता है दे आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। जैसे मोबाइल रिचार्ज है, ये हेटरोजीनियस डेफिनेटली होता है, इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन आवर विश एंड विल। कभी 299 मंथली का रिचार्ज कर लिया 2 GB के लिए, नेक्स्ट मंथ हमको नीड नहीं है तो हमने शायद 1.5 GB का कोई एक छोटा रिचार्ज कर दिया। तो हमेशा हर वक्त जो है हम हमारी नीड्स और हमारी ही विश से सर्विसेज को कंज्यूम करेंगे, इसलिए ये हेटरोजीनियस है। ठीक है, हमको कोई भी मोबाइल कंपनी ने कंपल्शन नहीं दिया कि आपको 299 का ही रिचार्ज एवरी मंथ करवाना है, राइट। जहां पर गुड्स में होमोजीनियस होते हैं, होमोजीनियस का मतलब होता है जितनी भी क्वांटिटी प्रोड्यूस की जाती है वो सभी क्वांटिटी का नेचर एक जैसा ही होता है, उनकी साइज एक जैसी होती है। कि अगर फॉर एन एग्जांपल इस रिमोट का प्रोडक्शन किया गया, तो ये रिमोट हर हमेशा जितने भी क्वांटिटी में प्रोड्यूस होगा इसके साइज शेप और इसकी फैसिलिटी एक ही तरीके की होंगी। फिर आप इसके 3 क्वांटिटी लो, फिर आप इसके 5 क्वांटिटी लो, या इसकी आप 15-20 क्वांटिटी लो, ठीक है ना, दे आर ऑफ द सेम नेचर। इसलिए जब भी गुड्स हम प्रोड्यूस करते हैं, बहुत सारे बल्क क्वांटिटी जब हम मशीन में निकालते हैं, तो सभी एक दूसरे से एक ही जैसे होते हैं, इसलिए इसको होमोजीनियस कैटेगरी का माना जाता है। ठीक है ना, इंटेंजिबिलिटी की बात करते हैं, तो सर्विस इज डेफिनेटली ऑब्वियसली वी कैन नॉट सी देम, इसीलिए दे आर इंटेंजिबल। लाइक डॉक्टर्स ट्रीटमेंट, जो डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट देता है वो तो हम नहीं देख सकते डेफिनेटली, लेकिन वो ट्रीटमेंट के बाद जो हमें क्योर करने के लिए मेडिसिन देता है, वो मेडिसिन डेफिनेटली आप हमारी ओनरशिप में ले सकते हो। सो मेडिसिन जो है ये गुड्स के एग्जाम्पल में इन्होंने रख दिया। ठीक है, इनकंसिस्टेंसी जब इन्होंने बात की, तब डिफरेंट कस्टमर्स हैव डिफरेंट डिमांड्स, जो मैंने आपको बोला था मोबाइल सर्विसेज, इसका एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिया। नाउ डिफरेंट कस्टमर्स गेटिंग स्टैंडर्डाइज डिमांड फुलफिल्ड, दैट इज मोबाइल फोन। ठीक है ना, जब हम रिचार्ज की सर्विसेज को नहीं देख सकते, ठीक है ना, बट वो रिचार्ज जिसमें इस्तेमाल होता है आपके मोबाइल फोन, उसको तो डेफिनेटली देखा जा सकता है। मोबाइल फोन को तो यूज भी किया जा सकता है, टच किया जाता है, फील किया जाता है, आजकल मोबाइल फोन में लाइफ जी जाती है। ठीक है, तो इसलिए ये टेंजिबल है डेफिनेटली। इसके बाद इनसेपरेबिलिटी की बात करते हैं, कि हम सर्विस प्रोवाइडर को, कंज्यूमर को और सर्विसेज को एक दूसरे से अलग नहीं देख सकते। साइमल्टेनियस प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, इसका क्लियर मतलब होता है जब भी कोई सर्विस प्रोवाइडर आपको सर्विस दे रहा है, एट द सेम मोमेंट जो भी कस्टमर है उस सर्विसेज को वही वक्त उसी वक्त ले रहा है। ठीक है, तो सर्विस प्रोवाइड करना, एट द सेम मोमेंट ऑफ टाइम उसी का भी कंज्यूम करना, ये एक साइकिल होती है। ठीक है,
लेकिन अगर जब गुड्स की बात करते हैं तो जब हम गुड्स की ओनरशिप लेते हैं, गुड्स के बदले में पैसे देते हैं, गुड्स हमारे पास लेकर आते हैं, गुड्स को हम जब चाहे कंज्यूम कर सकते हैं। इन्होंने इसलिए एग्जांपल दिया हुआ है आइसक्रीम फ्रॉम अ स्टोर का। आप डेफिनेटली वो स्टोर में जा सकते हो, आइसक्रीम खरीद सकते हो, घर पे लाके फ्रीजर में रख सकते हो, लेकिन जब मर्जी हो तब आप खा सकते हो। ठीक है, तो गुड्स के अंदर, गुड्स कैन ओनली बी बॉट लेटर, वी कैन कंज्यूम देम, बट सर्विसेज एट द सेम टाइम यू हैव टू कंज्यूम। आज अगर आपने रिचार्ज किया एक महीने के लिए, लेकिन आप ये डिसाइड नहीं कर रहे होंगे कि नहीं मैं तो सिर्फ रिचार्ज करके रख रहा हूं या मैं रिचार्ज करके रख रही हूं, एक महीने के बाद जो है, तीन महीने या चार महीने के बाद ये रिचार्ज की जो डेटा है उसको मैं कंज्यूम करेंगी, सो ये नहीं होगा। ठीक है, इन्वेंटरी की बात करते हैं, बहुत ही सिंपल है। इट कैन नॉट बी केप्ट इन स्टॉक, कैसे करोगे, दिखती नहीं है। स्टॉक किस तरीके से कर पाओगे, डेफिनेटली नहीं कर पाओगे, इट्स लाइक द एयर, है ना। Experience of a train journey can only be kept in your memories. Memories can't be seen, and that's why it cannot be stored. Now, on the other hand, they can be kept in stock. Example, train journey ticket. Yes. देखो ट्रेन में जर्नी करना, इसकी सर्विसेज लेना एक बात, ट्रेन की टिकट खरीदना और उसको सालों साल तक संभाल के रखना एज अ मेमोरी दूसरी बात। ठीक है, तो क्लियर एग्जाम्पल जो गुड्स और सर्विसेज का एक ही आपके टाइप के ट्रेवलिंग में आ गया। ठीक है, इन्वॉल्वमेंट भी जब हम लोग बात करेंगे तब पार्टिसिपेशन ऑफ कस्टमर एट द टाइम ऑफ सर्विस डिलीवरी, ठीक है ना, सेल्फ सर्विस इन अ फास्ट फूड जॉइंट इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, जैसे ही आपका फास्ट फूड रेडी हो गया, जैसे मैकडोनल्ड्स के अंदर सेल्फ सर्विस है, ठीक है, जैसे ही आपका नंबर आ जाता है आप लेने चले जाते हो, ठीक है, तो डेफिनेटली इन्वॉल्वमेंट है, कस्टमर का भी इन्वॉल्वमेंट है, राइट। अब इन्वॉल्वमेंट इन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी नॉट पॉसिबल, ठीक है ना, जब भी गुड्स फैक्ट्री में प्रोड्यूस हो रहे हैं, जब भी गुड्स फैक्ट्री में आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तब आप कस्टमर को नहीं बुलाते कि आप देखो और हमारा पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस देखो। ठीक है, अब आप एक काम करो कि मशीन भी आप ही बंद करो, मशीन से गुड्स भी आप ही निकालो और उसकी पैकिंग भी आप ही करो, ऐसा आप कस्टमर को बिल्कुल नहीं बोलते। ठीक है ना, इट्स योर ड्यूटी टू फर्स्ट मैन्युफैक्चर इट, pack it and send it to the customer's office or the customer's home, that's it. So jab aapka goods production process mein hota hai tab aap customer ko involve nahi karte, but services ke andar jaise hi ye product aapke samne aa gaya, theek hai, jo bhi aap McDonald's mein jaoge wahan par jo bhi aap order doge, order ek bar aa gaya to uske baad aapko at least delivery ke liye involve hona padega, because things stuff cannot be delivered to your table, it's the rule, so that's why you have to come to the counter table एंड टेक इट। सही है, सो इस तरीके से ये डिफरेंस को भी हम खत्म करके अब नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सर्विसेज की बात करेंगे। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले बिजनेस सर्विसेज, जो भी सर्विसेज की मॉनिटरी वैल्यू है, जो भी सर्विसेज चैरिटी के लिए नहीं है जिसका पैसा हम बनाते हैं, वो बिजनेस सर्विसेज हो गई। So those are those services which are used by business enterprise of any kind of a business organization for the conduct of their activities. सही बात है। Now for an example, banking, insurance. देखो ये सभी की monetary value है, ठीक है ना। आप जब आप banks में जाते हो, banks में facilities लेते हो, लेकिन उसके पैसे, उसके charges pay करते हो, insurance के premium भरते हो, transportation का पैसा आप देते हो, definitely. वेयरहाउस जब आप करवाते हो, आपके पास अगर सफिशियंट स्पेस नहीं है तो आपके स्टॉक को रखने के लिए एडिशनल वेयरहाउस फैसिलिटी जब आपको लेनी पड़ती है तब उसके पैसे भी आप देते हो, ठीक है ना। और कम्युनिकेशन के अंदर जो भी आप मींस ऑफ कम्युनिकेशन यूज करते हो, जैसे इंटरनेट, जैसे मोबाइल फोन, जैसे मोबाइल सर्विसेज, ये सभी के पैसे आप डेफिनेटली देते हो, ठीक है ना, और इसके बदले में मॉनिटरी वैल्यू हासिल की जाती है। दूसरी बात करते हैं सोशल सर्विसेज, जो पूरी की पूरी तरीके से चैरिटी बेस्ड होती है, ठीक है, जिसमें सबसे पहला एग्जांपल आपके सामने बहुत ही क्लियर तरीके से रखा गया। सोशल सर्विसेज आर दो सर्विसेज दैट आर जनरली प्रोवाइडेड वॉल्यूंटरीली, आप अपने मर्जी से दे सकते हो, आप पे कोई कंपल्शन नहीं है, ठीक है। जब भी आप ये सर्विसेज किसी को देते हो तो पुण्य कमाने के चक्कर में, उसके ब्लेसिंग्स लेने के एक इंटेंशन से आप ये सर्विसेज देते हो, इसलिए चैरिटेबल सर्विसेज ही मानी जाती है इन परस्यूट ऑफ सर्टेन सोशल गोल्स, ठीक है ना। Second, these activities are usually provided voluntarily but for some consideration definitely,
ठीक है, हम आपके सामने आ जाएंगे डोनेट का ऑप्शन लेके, बट हम इसकी स्पेसिफिक वैल्यू नहीं रखते। जब भी हम कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इसके सामने डोनेशन का एक ऑप्शन खड़ा हो जाता है, तो जिसको जैसी शक्ति उस हिसाब से वो डोनेट करेगा, बट इसकी मॉनेटरी वैल्यू कंसिडरेशन डेफिनेटली होती है, कंपल्सरी नहीं होती आपको लेने के लिए, ठीक है, फॉर कवर देयर कॉस्ट, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल हेल्थ केयर एंड एजुकेशन सर्विसेज जनरली आप देख सकते हो, बहुत सारी ट्रस्ट की ऐसी हॉस्पिटल्स में बहुत सारी सर्जरीज की जाती है विदाउट एनी कॉस्ट, ठीक है। कुछ कुछ हॉस्पिटल्स के अंदर जो है इसका बहुत ही नॉमिनल चार्ज रखा जाता है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बहुत महंगा होता है। गवर्नमेंट की ऐसी भी बहुत सारी हॉस्पिटल्स है जहां पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ कुछ फैसिलिटीज ले सकते हो, ठीक है। तो ये जो है ये एक सोसाइटी वेलफेयर के लिए और ये एक अपने पॉपुलेशन की सेवा करने के लिए बनाई गई ही सर्विसेज होती है, तो चैरिटेबल सर्विसेज इसलिए बोला जाता है, ठीक है। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी जो है वो आजकल नॉट ओनली गवर्नमेंट बट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे ट्रस्ट ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ सर्विसेज के अंदर ही अगर हम नेक्स्ट सर्विसेज की बात करते हैं तो ये पर्सनल सर्विसेज हो गई, ठीक है। पर्सनल सर्विसेज का बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि पर्सनल सर्विसेज आर दो सर्विसेज विच आर एक्सपीरियंस डिफरेंटली बाय अ डिफरेंट कस्टमर, ठीक है। पर्सनल सर्विसेज के अंदर जब कोई इंडिविजुअल अपने प्रोफेशन के हिसाब से उस सर्विसेज को प्रोवाइड करता है, ठीक है, जैसे मेड्स, जैसे टीचर्स, जैसे प्रोफेशनल्स जो आर्ली बेसिस पे काम करते हैं, सभी को एक तरीके का ही प्रोडक्ट जो एक ही तरीके के सर्विसेज को प्रोवाइड करने का काम करते हैं, लेकिन इनके जो कस्टमर्स होते हैं इनको अलग अलग एक्सपीरियंस डेफिनेटली हो सकता है, ठीक है। एक ही पर्टिकुलर इंडिविजुअल से निकली हुई सिमिलर तरीके की सर्विसेज का फाइनल रिजल्ट हर एक कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू अपना अलग अलग हो सकता है, ठीक है। इस वजह से दे विल ऑल्सो डिपेंड ऑन कस्टमर्स प्रेफरेंसेज एंड डिमांड। फॉर एग्जाम्पल टूरिज्म, रिक्रिएशनल सर्विसेज एंड रेस्टोरेंट्स, तो ये एग्जाम्पल्स जनरली आपके पर्सनल सर्विसेज के हैं। आगे जाके बिजनेस सर्विसेज का एक और इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, जहां पर हमारी कंट्री का एक एग्जाम्पल लेते हुए, नाउ इंडिया हैज बीन गेनिंग अ हाई कॉम्पिटिटिव एज ओवर अदर कंट्रीज व्हेन इट कम्स टू प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द डेवलप्ड इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। Let me proudly give you these examples in the information technology. Indian professionals and Indian employees are highly recommended to the multinational companies and the foreign governments because they know that Indians are highly skilled employees and professional when it comes to the best quality services, the best quality IT services. And that is why in our country, Bangalore is considered to be the most, the biggest and the most influential state jahan par IT professionals ko outsourcing ka kaam diya jata hai. Hai na? Now, many foreign companies are looking to Indian for performing a host of business services. I proudly say that the Google has a CEO of the Indian origin, Mr. Sundar Pichai, है ना, और ऐसे बहुत सारे MNCs के example आप देख लो, सत्या Nadella, ठीक है। तो देखो ये professionals हैं, they have discipline, they have skills. Now many people know that. और इसके बाद सबसे पहली सर्विसेज कुछ यहां पे हम लोग बात करेंगे, वो है बैंकिंग सर्विसेज। बैंकिंग सर्विसेज डेली एक्टिविटीज में यूज होने वाले हाईली कमर्शियल सर्विसेज होते हैं, जो हमेशा हर एक दिन कस्टमर के साथ भी रहती है और बिजनेस प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर या गुड मैन्युफैक्चरर के साथ भी रहती है, ठीक है। कमर्शियल बैंक्स आर एन इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन। कमर्शियल बैंक आप पूछोगे कि सर ये कमर्शियल बैंक्स क्या होती है, तो जितनी भी बैंक्स उनकी सर्विसेज के बदले आपको चार्ज करती है, वो सभी तरीके की बैंक्स, फिर वो प्राइवेट बैंक्स हो, फिर वो गवर्नमेंट बैंक हो, फिर वो कोऑपरेटिव बैंक हो,
ये सभी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जो है ये कमर्शियल बैंक के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। ऑफ द इकोनॉमी फॉर प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, जिसका मतलब होता है लोन। सभी तरीके की बैंक जो है आपको लोन प्रोवाइड करने की फैसिलिटी डेफिनेटली देती है टू इट्स कस्टमर। नाउ इन अ वेरी सिंपल टर्म्स, अ बैंक एक्सेप्ट मनी ऑन डिपॉजिट। आप सेविंग करते हो, आपकी इनकम बढ़ती है, उस सेविंग को बैंक एफडी से फिक्स डिपॉजिट, थ्रू फिक्स डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट आप उस बैंक की सर्विसेज लेते हो, ठीक है ना। बैंक आपका पैसा अपने पास रखता है। रीपेबल ऑन डिमांड, जब भी आपको ऐसा लगे कि मुझे ये पैसा एक सर्टन पीरियड के बाद निकालना है, यू गो टू द बैंक, यू आस्क द बैंक टू गिव योर मनी बैक, बैंक गिव्स यू विद सर्टन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना। एंड ऑल्सो अर्न्स अ मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बाय लेंडिंग मनी। सो बहुत ही सिंपल हिसाब है। एज अ बैंक ऑन दिस राइट हैंड साइड वो कस्टमर से एज एन एफडी और आरडी पैसा लेती है, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड उसी पैसे को किसी और नीडी इंडिविजुअल को या कोई नीडी ऑर्गेनाइजेशन को लोन देने का काम करती है। आपके पास से वो 8% में लेती है, 7%, 6% के हिसाब से एफडी रखती है, और होम लोन्स के टाइम पे 13%, 13.5%, 12% के हिसाब से जो है आपको लोन देती है। तो जो बीच का मार्जिन होता है इंटरेस्ट का, वो ही बैंक का प्रॉफिट होता है। तो ऐसा एक एग्जाम्पल जो है जनरली इन्होंने दिया हुआ है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये लोग बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से ये ले रहे हैं कि अ बैंक स्टिम्युलेट्स इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द मार्केट बाय डीलिंग इन मनी। क्योंकि अगर हम बैंक की बात करेंगे, जब जब हम लोग बैंक इमेजिन करते हैं तो बैंक के अंदर एक ही चीज हमेशा इमेजिन करते हैं, पैसा, इन अ डिजिटल फॉर्म और इन अ फिजिकल फॉर्म, ठीक है ना। इट मोबिलाइजेस द सेविंग्स ऑफ पीपल एंड मेक फंड्स अवेलेबल टू बिजनेस फाइनेंसिंग देयर कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर वो एफडी और आरडी के तौर पे अगर आपसे पैसे लेगी, तो वही पैसे जो है मार्केट में किसी और को लोन देने के लिए वो इस्तेमाल करती है। और जैसे कि मैंने बोला, जैसे कि एफडी और आरडी के सामने उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है, वैसे ही जिसकी जिसको भी उन्होंने लोन दिया हुआ है, बिजनेस को लोन दिया हो, इंडिविजुअल को लोन दिया हो, वहां से इंटरेस्ट उनको वसूल करना होता है। यहां का इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज करते हैं, यहां से इंटरेस्ट कंप्लीट पे लेते हैं, उसका जो मार्जिन यही आपका प्रॉफिट होता है। तो बस यही एग्जाम्पल को उन्होंने अलग तरीके से आपके सामने रखा हुआ है। नाउ अगेन इट ऑल्सो डील्स इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, सो नॉट ओनली एफडी आरडी एंड लोन, बट अगेन विद डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स लाइक फॉर अ प्राइस, दैट इज इंटरेस्ट, दैट इज डिस्काउंट, दैट इज कमीशन एक्सेट्रा, ठीक है ना। जब आप लोन देते हो तो इंटरेस्ट का भुगतान करना पड़ता है। और जब आप कुछ ऐसी फैसिलिटीज उठाते हो जहां पे आपको डिस्काउंट भी मिलता है, और ऐसे भी बहुत सारी बैंकिंग फैसिलिटीज है जहां पे आप कमीशन भी अर्न कर सकते हो या बैंक भी आपसे कमीशन अर्न करती है, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे मनी इंस्ट्रूमेंट जिसको बोलते हैं, उसके द्वारा बैंक इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्टेबल करने का काम करती है। अभी इसी टाइप्स ऑफ बैंक्स के अंदर हम देखेंगे, बैंक कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग। सबसे पहले जो कमर्शियल बैंक, जिसका एग्जांपल मैंने आपको दिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारत की सबसे बड़ी बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन में से एक, और मैं तो कहता हूं आरबीआई के बाद आने वाली सबसे बड़ी बैंक है। कोऑपरेटिव बैंक्स तो आप देखोगे, जैसे पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक जनरली होती है, फॉरेन ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड को सब्सिडियरी और इंटरनेशनल ट्रेड को एक बेसलाइन प्रोवाइड करने के लिए, ऐसे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को ऑथोराइज करने के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक होती है। तो ये एग्जांपल्स आपने देखे टाइप्स ऑफ बैंक्स के। और आपको पता है कि बैंकर्स बैंक द किंग ऑफ ऑल इज आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके बारे में डेफिनेटली आपको पता है, ठीक है ना। सभी बैंक को रेगुलेट करने का काम, सभी बैंक से रिपोर्ट्स लेने का काम, और सभी बैंक को कंट्रोल करने का काम जो है ये आरबीआई करती है, ठीक है ना। कमर्शियल बैंक का सबसे पहला ऑब्जर्वेशन अगर हम लोग लेते हैं, तो कमर्शियल बैंक्स आर इंस्टीट्यूशंस, दे आर डीलिंग इन मनी एंड दीज आर गवर्नमेंट और गवर्न्ड बाय इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, एक कानून जिसके तहत सभी बैंक ऑपरेट करती है, उस कानून का नाम है
इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एंड अकॉर्डिंग टू इट बैंकिंग मीन्स एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट. कस्टमर से पैसा उठाना, उनको इंटरेस्ट देना, एट द सेम टाइम वही लोन प्रोवाइड करना और वहां से इंटरेस्ट वसूल करना. राइट. कोऑपरेटिव बैंक जनरली वही हिसाब है, बट कोऑपरेटिव बैंक आर द स्मॉलर वर्जन ऑफ द कमर्शियल बैंक बिकॉज कोऑपरेटिव बैंक आर गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ द स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, नॉट द लॉ, एंड मेंट एसेंशियली फॉर प्रोवाइडिंग चीप क्रेडिट टू देयर मेंबर्स. चीप क्रेडिट का मतलब होता है जहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जहां पर बाकी कमर्शियलाइज बैंक आपको 12.5% से लेके 13% तक का होम लोन इंटरेस्ट चार्ज करती है, वहीं पर कुछ कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स जो है आपको जनरली 11.5% से लेके 12% तक का होम लोन इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है. सो ये जो है इनका पर्पस होता है कि आपको जो फैसिलिटीज मिले वो बहुत ही कम दाम पे मिले. ठीक है. स्पेशलाइज्ड बैंक की अगर हम बात करते हैं तो स्पेशलाइज्ड बैंक का एक सेक्शन है कमर्शियल बैंक्स आर इंस्टीट्यूशंस डीलिंग इन द मनी एज वी ऑल नो एंड दीज आर गवर्न बाय इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 जो अब भी हम लोग ने देखा थोड़ी देर पहले. एंड अकॉर्डिंग टू इट बैंकिंग मीन्स एक्सेप्टिंग डिपॉजिट मनी फ्रॉम द पब्लिक ऑफ द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट. तो ऑलरेडी हम लोग ने देख चुके हैं दीज आर टू टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक. सेंट्रल बैंक की जब हम बात करेंगे, जब हम आरबीआई की बात करेंगे, जब हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे, तब द बैंक्स एनी कंट्री सुपरवाइजर्स दे कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द कमर्शियल बैंक्स ऑफ दैट कंट्री. इंडिया में इट्स आरबीआई who regulates each and every commercial banks, also acts as government banker. It controls and coordinates currency and credit policies. जो भी commercial bank अपने credit policies को लेकर, lending को लेकर या deposits को लेकर कुछ certain percentage आपको charge कर रही है, तो उस परसेंटेज को मॉनिटर करने का काम, उसको डिसाइड करने का काम, उसको इंक्रीज या डिक्रीज करने के इंस्ट्रक्शन देने का काम जो है आपकी आरबीआई जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है वो करेगी. राइट. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज अ सेंट्रल बैंक ऑफ आर कंट्री. अब हम कमर्शियल बैंक के फंक्शंस पे आते हैं जहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है. सबसे पहला काम एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट. बैंक आपके पास से पैसे लेगी, उसके सामने आपको इंटरेस्ट देगी और उसी पैसे को किसी नीडी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन को लोन पे देने का काम यह बैंक करेगी. इसके बदले में आपको चेक फैसिलिटीज भी बैंक देती है. रेमिटेंस जैसे इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज को भी इस कमर्शियल बैंक के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है. ठीक है. वी कैन रेमिट आर मनी. अलाइड सर्विसेज में से नेट बैंकिंग से लेकर बहुत सारी इंश्योरेंस से लेकर बहुत सारी ऐसी सर्विसेज जो है ये कमर्शियल बैंक आपको देती है. तो अभी जैसे मैंने मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग की बात की तो ये इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है. और इसका आज 2022 की जो टाइम है उस वक्त ई बैंकिंग का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि कोविड के टाइम पर बैंक्स जो है ये फिजिकल ऑपरेशंस नहीं कर रहे थे. सब कुछ जो है वो ज्यादा तौर पर नेट बैंकिंग, यूपीआई और ऐसे बहुत सारे ई बैंकिंग ट्रांजेक्शन से ही पॉसिबल होता था. So the internet banking means any user with a PC and a browser can get connected to the banks. इसके वेबसाइट से भी आप कनेक्ट हो सकते हो to perform any of the virtual banking functions and avail of any of the bank services.
है ना। तो देखो इतनी इंपॉर्टेंट ई बैंकिंग सर्विसेज का सेगमेंट जो है ये कमर्शियल बैंक्स रन करते हैं। नाउ इन दिस व्यू डिजिटल मार्केट प्लेस बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दे हैव स्टार्टेड प्रोवाइडिंग सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। तो ई बैंकिंग का सबसे बड़ा डिविजन ही इंटरनेट है। आप आपके सेलफोन से वो बैंक की ऐप डाउनलोड करके या उसकी वेबसाइट से जो है आपके ट्रांजैक्शन को पूरा कर सकते हो, इसकी कंफर्मेशन भी ले सकते हो थ्रू वन टाइम पासवर्ड इन योर मोबाइल, ठीक है ना। एंड दीज टाइप्स ऑफ सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द बैंक्स ऑन द इंटरनेट, अगेन दे कॉल्ड ई बैंकिंग। दे लोअर्स द ट्रांजैक्शन कॉस्ट, एड वैल्यू टू द बैंकिंग रिलेशनशिप एंड एम्पावर्स द कस्टमर। Now, customer doesn't have to go to the bank, doesn't have to, you know, stand in a queue for hours and hours. Now, customer can easily access all the banking services through his or her mobile phone. So, that's the revolution e-banking has brought to us. ठीक है ना? तो ये बात है. So, इसका benefits भी definitely आएंगे. लेकिन इसके पहले और एक छोटा सा point consider करना है. भाई ई बैंकिंग इज इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग और बैंकिंग यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है। विदाउट इंटरनेट आप ई बैंकिंग को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं कर सकते। जब भी आपके पास इंटरनेट सर्विसेज अच्छी है तभी ही आप ई बैंकिंग का इस्तेमाल अच्छे से कर सकते हो। दैट ई बैंकिंग इज अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय मेनी बैंक्स दैट अलाउज अ कस्टमर टू कंडक्ट बैंकिंग ट्रांजैक्शन सच एज मैनेजिंग सेविंग्स। जैसे बहुत सारे फंक्शंस जो है थ्रू ई बैंकिंग आप डेफिनेटली इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं, इसके लिमिटेशंस भी डेफिनेटली ऑन दी अदर हैंड हैं। बट इसके बेनिफिट्स के अगर हम लोग जनरली ऑब्जर्वेशन अगर लें तो ई बैंकिंग फैसिलिटेट्स डिजिटल पेमेंट्स एंड प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि इसका कंफर्मेशन जो है वो बहुत ही इंस्टेंट होता है। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है, फॉर एन एग्जांपल अगर आपके बैंक से पैसे कट भी गए तो आपको जो है ये पैसा आपके बैंक में विद इन आवर्स जो है रिफंड मिल जाता है। जैसे बहुत सारे बेनिफिट्स भी डेफिनेटली यहां पर होते हैं, ठीक है ना। ई बैंकिंग प्रोवाइड्स 24 आवर्स एंड 360 डेज योर सर्विस। मोबाइल फोन से ई बैंकिंग इस्तेमाल करने का कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता। एनी टाइम ड्यूरिंग द डे, एनी टाइम ड्यूरिंग द नाइट वी कैन यूज एंड एक्सेस दोज ई बैंकिंग सर्विसेज। कस्टमर्स कैन मेक सम ऑफ द परमिटेड ट्रांजैक्शंस फ्रॉम द ऑफिस। सो फॉर वेरी बोलते हैं ना बहुत ही लिमिटेड ऑपरेशंस के लिए अगर हमको बैंक जाना पड़ा तो विच इज वेरी नेचुरल, अगर कोई बड़ा ट्रांजैक्शन है, अगर आरटीजीएस और एनईएफटी की फैसिलिटीज के लिए अगर बैंक में आपको जाना भी पड़ जाए तो वो एक बहुत ही छोटा सा ऑप्शन होता है। अदरवाइज एवरीथिंग कैन बी ऑपरेटेड फ्रॉम योर मोबाइल फोन। इट इंक्लूड्स अ सेंस ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन ऑल्सो, बिकॉज यू ऑलरेडी नो दैट टूडे आई हैव टू एक्सेस माई अकाउंट विदाउट एनी डिले टू मॉनिटर माई अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स विच बिकम्स द अल्टीमेट फाइनेंशियल हैबिट विच लीड यू टू प्रोस्पेरिटी। ग्रेटर कस्टमर सेटिस्फैक्शन बाय ऑफरिंग अनलिमिटेड एक्सेस टू द बैंक, अगेन यू हैव नो सच रेस्ट्रिक्शंस दैट यू कैन नॉट यूज दिस फैसिलिटी और दैट फैसिलिटी ड्यूरिंग द नाइट टाइम, ड्यूरिंग द 1 PM यू कैन नॉट यूज इट, एब्सोल्युटली नॉट, यू कैन यूज इट 24/7, ठीक है ना। सो दीज आर द बेनिफिट्स। तो इस पार्ट वन में हमने ऐसे बहुत सारे नेचर और फीचर्स को देखा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज जैसे बैंकिंग आप तक लेकर आती है। नेक्स्ट पार्ट में जब मैं आपके सामने आऊंगा तो बैंकिंग के अलावा ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज को और सर्विसेज को आपके सामने सामने रखूंगा और इसके माइन्यूट ऑब्जर्वेशन भी हम लेंगे। तो इसी के साथ जो है आज का पार्ट वन खत्म, हम मिलेंगे पार्ट टू में। स्टे ट्यून्ड विद मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी ऑन एडुहब कॉमर्स। धन्यवाद, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और तंदुरुस्त रहो। थैंक यू।
डाउनलोड द ऐप नाउ।